Hello everybody, today we will discuss the new family regarding to the taxonomy of botany. And in this family we will discuss the plants related to the families and the systematic position of this family and distribution and the vegetative characters that belong to this family and also the floral characters. And last we will discuss about the economic importance of this family and the plants that are the economically having the importance regarding to this family. तो इस तरीके से आज हम इस फैमिली एस्टरेसी को, जिसे हम सनफ्लावर फैमिली भी कहते हैं, इसी को कंपोजिटी फैमिली और सनफ्लावर फैमिली और इसका जो प्रमुख नेम है बोटानिकल नेम या बोटानिकल भाषा में सबसे पहले इसको एस्टरेसी भी के नाम से भी जाना जाता है। तो जैसा कि आपने जो पिछले लेक्चर्स को हमारे देखा होगा, उसमें हमने यूजुअली सभी जो फैमिलीज हैं उसमें जो डिस्कस हमने किया है, उसमें सबसे पहले हम उस फैमिली के सिस्टमेटिक पोजीशन को देखते हैं। सिस्टमेटिक पोजीशन में जो एक क्लासिफिकेशन के अंतर्गत किसी पर्टिकुलर फैमिली को किस तरीके से, किस क्लास के अंतर्गत, दैट मीन्स द किस डिवीज़न, किस सब डिवीज़न और किस क्लास, सब क्लास, सीरीज, ऑर्डर और फैमिली के अंतर्गत इसको पढ़ना है। इन सब बातों को हम एक एक फैमिली को लेकर के पढ़ते हुए चल रहे हैं और इसी के साथ ही कुछ उसके जो कॉमन फीचर्स हैं जो कि अन्य फैमिलीज में भी कॉमन है और कुछ ऐसे डिफरेंशियल या वर्सेटाइल फीचर्स हैं जो कि दूसरी फैमिलीज से वैरी करते हैं, डिफर करते हैं। कुछ एक्सेप्शनल फैमिलीज भी हैं, सॉरी, कुछ एक्सेप्शनल प्लांट भी हैं जो इस फैमिलीज में बिलोंग करते हैं, जो कि उनके जो करेक्टर्स हैं वो किसी और फैमिली से भी कोरिलेट करते हैं और इस फैमिली से भी डिफरेंशिएशन रखते हैं या डिफरेंस रखते हैं। तो सबसे पहले सिस्टमेटिक पोजीशन के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और सिस्टमेटिक पोजीशन में सबसे पहले ये किस डिवीज़न से बिलोंग करता है फैमिली एस्टरेसी, जिसे ही सनफ्लावर फैमिली भी कहा जाता है। ठीक है, तो सूरजमुखी का जो प्लांट है सनफ्लावर, तो ये जो है आपका इसी फैमिली से बिलोंग करता है, इस कारण से इसको सनफ्लावर फैमिली के नाम से भी जानते हैं। डिवीज़न स्पर्मेटोफाइटा, जैसा कि अन्य फैमिलीज में हमने बताया है कि जो प्लांट्स सीड बियरिंग हैं इन्हें को स्पर्मेटोफाइटा कहें या फिर फेनरोगेम्स भी कहते हैं, कि फ्लावर्स बियरिंग प्लांट सीड बियरिंग प्लस फ्लावर बियरिंग प्लांट्स, तो इसमें दोनों ही करेक्टर्स को यहाँ पे हम पढ़ते हैं। इस कारण से जो डिवीज़न है तो इस फैमिली का स्पर्मेटोफाइटा के नाम से जाना जाता है।
स्पर्म मीन्स दैट मीन्स सीड, फाइटा मीन्स प्लांट। तो ऐसे प्लांट जो सीड को, बीज को धारण करते हों, बीज को रिप्रोड्यूस करते हों, हम उस डिवीज़न को, उस प्लांट डिवीज़न को स्पर्मेटोफाइटा के अंतर्गत पढ़ते हैं। और उसी में स्पर्मेटोफाइटा के साथ ही हम इसको फेनोगेम्स मतलब फ्लावरिंग प्लांट्स के अंतर्गत भी पढ़ते हैं, क्योंकि ये फ्लावर बियरिंग प्लांट हैं, सीड बियरिंग प्लस फ्लावर बियरिंग। दूसरा पार्ट है सब डिवीज़न एंजियोस्पर्मी। तो एंजियोस्पर्मी मीन्स सीड बियरिंग में जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म दोनों आते हैं। तो यहाँ हम स्पेशली आपको एंजियोस्पर्मी या एंजियोस्पर्म की स्टडी कर रही हूँ। द प्लांट्स दैट बिलोंग टू द एंजियोस्पर्म दैट आर अंडरगोज दिस सिस्टमेटिक पोजिशन, दैट मीन्स द सब डिवीजन ऑफ दिस फैमिली इज एंजियोस्पर्मी। नाउ द थर्ड पॉइंट इज क्लास। एज यू नो दिस फैमिली इज बिलोंग्स टू द डाइकॉटिलेडोन्स। Regarding to the Bentham and Hooker's classification, the class is subdivided into three parts: dicotyledons, gymnospermi, and monocotyledons. Here we are studying the dicotyledoni. That means the class is dicotyledoni, dicotyledons of this family. Subclass gametophyteli. The subclass is also be subdivided into three parts. The class is subdivided, that is the dicotyledoni is subdivided into three subclasses: polypeteli, gamopeteli, and monoclemeli. In the previous lectures, the families which we have already been studied, that are belongs to the family, belongs to the subclass polypeteli. इसके पहले के जो families हैं उसको हमने polypeteli के अंतर्गत स्टडी किया। यहाँ गैमोपिटेली के अंतर्गत हम सब क्लास को पढ़ रहे हैं। रीज़न ये रहा है कि जो पीटल्स हैं दे आर यूनाइटेड टुगेदर, ये आपस में जुड़े हुए हैं। अगर नहीं जुड़े होते तो यहाँ गैमो की जगह पॉलीपिटेली होता। ये जो गैमोपिटेली है इसका मीन्स ही है कि जो पीटल्स हैं ये कहीं न कहीं आपस में जुड़े हुए हैं। सीरीज इनफेरी। तो गैमोपिटेली का जो फर्स्ट सीरीज है, जो सब पार्ट है,
जो कि तीन भागों में ऑलरेडी डिवाइडेड है, इनफेरी, हेट्रोमेरी एंड बाइकार्पिलेटी। जब हम बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन को बेस मान करके किसी भी प्लांट फैमिली को क्लासिफाई करते हैं तो डिफरेंट सीरीज के अंतर्गत उन्हें सब डिवाइड किया जाता है, सब क्लासेस को। यहाँ पे इनफेरी इज द फर्स्ट सीरीज ऑफ द गैमेटोफिटेली। इनफेरी मीन्स द ओवरी इज इन्फीरियर इन यूजुअल मैनर। कॉमन फीचर्स में एक्सेप्शनल्स नहीं कहा जा सकता, लेकिन कॉमन फीचर्स अगर देखा जाए, कॉमनली ढंग से देखा जाए, तो ए फैमिली इन्फीरियर ओवरी से बिलोंग करती है, रिलेट करती है, इसलिए इसे हम इन्फेरी सीरीज के अंतर्गत स्टडी करते हैं। ऑर्डर, जैसा कि हमने पहले भी बता दिया है कि फैमिलीज को देख करके ज़्यादातर जो ऑर्डर्स हैं उनको कंसीडर किया जाता है। तो यहाँ पे फैमिली एस्टरेसी है, तो ऑर्डर भी इसी ही तरीके से डेजिग्नेट होगा, और ऑर्डर का नाम है एस्टरेस। एल्स शब्द सफिक्स कर दिया जाता है तो ऑर्डर बन जाता है, ऑर्डर के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो सम कॉमन फीचर्स आल्सो बी प्रेजेंट बट सम डिफरेंसेस, एंड दिस फैमिली इज द ब्रॉड फैमिली एंड द मच मोर एडवांस्ड फैमिली ऑफ द डाइकॉट। इस फैमिली को बहुत एक बड़ी फैमिली के रूप में जाना जाता है, डाइकॉट या एंजियोस्पर्म की सबसे बड़ी फैमिलीज के रूप में इसे जाना जाता है। इस चीज़ को आप याद करिए या रिमेंबर कर लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए, राइट डाउन कर लीजिए कि ये सबसे बड़ी फैमिली है एस्टरेसी या कंपोजिटी। बहुत इम्पोर्टेंस है इसका डे टू डे लाइफ में। अभी आप इसके कुछ स्पेशल फीचर्स को देखेंगे कि किस तरीके से इसमें जो फ्लावर्स हैं दो भागों में किस तरीके से डिवाइड हुए हैं। तो यहाँ पर कुछ नोट्स में जैसे यहाँ पे है स्टार बना करके हमने दिखाया है कि जो नंबर ऑफ जनरा है इज द 950 जनरा, एंड द नंबर ऑफ फैमिलीज दैट नंबर ऑफ स्पीसीज बिलोंग्स टू दिस फैमिली इज 20,000 स्पीसीज। तो लगभग 950 जनरा को कवर करना या अपने में समाहित किए हुए हैं और 20,000 स्पीसीज को बिलोंग करती है या बिलोंग करते हैं 20,000 स्पीसीज को कवर अप करती है ये फैमिली। तो इस लिहाज से एक बहुत बड़ी फैमिली कहा जाए तो इसमें कोई संशय की बात नहीं है, बहुत एक वेरी सोफिस्टिकेटेड टर्मिनोलॉजी होगी जो कि इस फैमिली से बिलोंग करते हैं। अब हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन। ये दो टर्म्स इसमें दिए गए हैं,
कॉस्मोपॉलिटन एंड ट्रॉपिकल। तो यूजुअली इस फैमिली के जो प्लांट हैं दे आर कॉस्मोपॉलिटन, दैट मीन्स द प्लांट बिलोंग्स टू दिस फैमिली आर प्रेजेंट एट एवरी वेयर ऑन द अर्थ। तो अर्थ पे हर जगह ये प्रेजेंट है। हाँ, कभी कभी जो मोस्ट ऑफ द केसेस या कह सकते हैं कि कुछ ऐसे भी प्लांट हैं जो कि ट्रॉपिकल रीजन्स में स्पेशली दिखाई देते हैं। कहाँ पे? ट्रॉपिकल रीजन। हमने आपको बाई मैप बाई ग्लोब यहाँ पे ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल इक्वेटोरियल एंड टेम्परेट पोलर रीजन्स सभी को हमने एक व्यू में दिखाया है आपको प्रीवियस लेक्चर्स में, आप देखेंगे क्योंकि ये टर्म्स लगभग सभी फैमिलीज में आते रहते हैं, इसलिए हमने इनको क्लेरिफाई कर दिया है कि कॉस्मोपॉलिटन है तो क्या है, मतलब ट्रॉपिकल है तो उसका मीन्स क्या है, किस तरीके से इससे जो भी टर्म्स बिलोंग करते हैं वो सब हमने डिस्कस किया। हैबिट, जो यहाँ अपीयरेंस है, इनका नेचर है, किस तरीके से ये दिखते हैं, वो तीन तरीके के जो प्लांट्स हैं, हर्ब्स सब ट्रीज, तो इसमें तीनों ही तरीके के प्लांट्स आपको देखने को मिलेंगे। हर्ब्स भी देखने को मिलेगा, श्रब्स भी देखने को मिलेगा, ट्रीज भी देखने को मिलेंगे। तो कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो हर्ब्स भी हैं और कुछ जो ट्रीज हैं लेकिन क्लाइंबिंग या क्लाइंबर के रूप में, जो कि किसी दूसरे प्लांट पर अपने को असिस्टेंसी या सहारा लेकर के क्लाइंब करते हैं, क्लाइंब करते हुए चढ़ते हुए आरोहण करते हुए ऊपर की दिशा में ये अपने को डेवलप करते हैं। रूट की बात करें तो टिपिकली डाइकॉट रूट, दैट मीन्स कि जैसा कि डाइकॉट में रूट्स में जो कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं, दैट मीन्स टैप एंड ब्रांच्ड, यह टिपिकली डाइकॉट रूट का एक पेट अपीयरेंस है कि ऐसे ही दिखता है और यही उनका मेन रूट का फीचर है। तो टैप एंड ब्रांच रूट, जैसा कि अन्य जो डाइकॉट फैमिलीज हैं उनको भी आप देखेंगे तो ये कॉमन फीचर है, टैप एंड ब्रांच, ये रूट का जो अपीयरेंस है ये आपको कॉमन फीचर से ये अन्य फैमिलीज में जो भी डाइकॉट फैमिलीज हैं उनमें कुछ है, अगर इससे एक्सेप्शनल जो प्लांट्स हैं उस फैमिलीज की अगर उनको छोड़ दिया जाए तो लगभग सभी फैमिलीज में इस तरीके को करेक्टरिस्टिक्स आपको देखने को मिलेंगे। टैप ब्रांच। लीव्स की बात करते हैं, कैसे लीव्स हैं तो अल्टरनेट करके ये लीव्स का अपीयरेंस है, ये अल्टरनेशन है, कहीं कहीं पे अपोजिट भी देखने को मिलेगा, ठीक है। वर्ल्ड कभी कभी वर्लिंग होती है, मतलब ऐसे 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 बहुत सारे जो लीफ हैं ये एक चक्र में एक घेरे में
इस तरीके से ये अपने आप को सजाए हुए रहते हैं। सिंपल लिप्स, यूजुअली सिंपल लिप्स दिखाई देती हैं, कभी कभी कंपाउंड लिप्स भी देखने को मिल जाती हैं। सिंपल और कंपाउंड के बारे में हमने शुरू शुरू में ही बता दिया है कि किस तरीके से सिंपल लिप्स को हम डिफाइन करेंगे और कैसे सिंपल लिप्स कन्वर्टेड इनटू द कंपाउंड या पिनेटली कंपाउंड लिप्स। एसिकुलर मतलब कि ये निडल लाइक स्ट्रक्चर्स जो पेटियोल्स या फिर आपको जो लीफ लेमिनाज हैं, जो सबसे किनारे वाले भाग हैं, वहाँ पे एसिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखने को मिलेंगे लीव्स की। रिड्यूस्ड स्केल्स, स्केली स्ट्रक्चर्स, छोटे छोटे स्केल्स, इस तरीके से स्केल्स जो कि हैं इस फैमिलीज में दिखाई देंगी। ये जो स्केल्स हैं ये लीफ के ही पार्ट हैं, लेकिन ये रिड्यूस्ड कंडीशन में दिखाई देते हैं। एक्स्ट्रिपुलेट एक और टर्म्स है, मतलब स्टिपुल्स यहाँ पे एब्सेंट है। एक्स्ट्रिपुलेट मीन्स लैक ऑफ स्टिपुल्स, दैट द विदाउट स्टिपुल्स, मतलब इसमें स्टिपुल्स नहीं है। स्टिपुल्स मीन्स आप किसी भी लीफ को लीफ के ये पेटियोल्स हैं, यहाँ पे आप इस तरीके की संरचना स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर दैट इज द स्टिपुल्स, ये स्टिपुल्स हैं। और ये अगर ये नहीं प्रेजेंट हैं तो एक्स्टिपुलेट टर्म्स यूज होता है। क्या यूज होता है? एक्स्टिपुलेट, EXTIPULATE। पेटियोलेट, जाहिर सी बात है हमने बताया कि पेटियोल्स रहते हैं। और हेयरी सरफेस या स्टेल लाइक समथिंग द सरफेस आर ऑल्सो फाउंड यहाँ पर देखने को मिलता है। अब ये वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को हम ये सिस्टमेटिक पोजीशन को एक बार रिकॉल कर लेते हैं। डिवीजन स्पर्मेटोफाइटा सब डिवीजन एंजियोस्पर्मी क्लास डाइकोटिलेडोनी सब क्लास गैमोपिटेरी सीरीज इन फेरी ऑर्डर एस्टरेस फैमिली एस्टरेस 950 जेंडा एंड 20,000 स्पीसीज बिलोंग्स टू दिस फैमिलीज। डिस्ट्रीब्यूशन इज द कॉस्मोपॉलिटन एंड सम स्पेशली एट द ट्रॉपिकल रीजन एंड हैबिट इज नथिंग दैट इज द हर्ब सब्सटेंस थी बेसिकली द टाइप्स ऑफ द ट्रीज आर ऑल्सो प्रेजेंट। रूट इज टिपिकली फॉलोइंग द डाइकॉट लाइक रूट करेक्टरिस्टिक्स एंड लीव्स आर अल्टरनेट अपोजिट वर्ल्ड सिंपल और कंपाउंड एसिकुलर रिड्यूस्ड स्केल्स एक्स्टिपुलेट पेटियोलेट एंड हेयरी स्केल्स। हेयरी स्केल्स और द हेयरी सरफेसेस आर ऑल्सो प्रेजेंट। नाउ वी विल डिस्कस द फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस फैमिली, दैट इज द इनफ्लोरेसेंस अंडर विच
इन्फोसिस इज हेड और कैपिटुलम, ये आपको याद रखना होगा। हेड और कैपिटुलम किस तरीके के इन्फोसिस को कहा जाता है, जिसमें डिस्क और रे फ्लोरेट्स दो तरीके के फ्लोरेट्स से मिलकर के बना हुआ है। इसमें कप लाइक स्ट्रक्चर्स जो ब्रैक्स के बने हुए थे हैं, जो किनारे वाले फ्लोरेट्स हैं फ्लावर्स हैं ये क्या हैं, रे फ्लोरेट्स हैं और इनको ये स्टेराइल्स हैं, और या तो स्टेराइल होंगे या फीमेल होंगे, ठीक है, मेल नहीं हो सकते, या स्टेराइल होंगे या फीमेल होंगे, ठीक है। सेंट्रल रीजन में जो फ्लावर या फ्लोरेट्स हैं वो बाइसेक्सुअल होंगे, मेल फीमेल दिखाई देते हैं, डिस्क फ्लोरेट्स उन्हें कहा जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले डिस्क फ्लोरेट्स को देखा जा रहा है। डिस्क फ्लोरेट्स को हम लेते हैं, ये किस तरीके का इनका अपीयरेंस है, जो मॉर्फोलॉजी है, अगर उनको वर्टिकल सेक्शंस को काटते हैं तो एक्टिनोमॉर्फिक बाइसेक्सुअल एपिगाइनस, ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक डिस्क फ्लोरेट्स में, जो फ्लावर के डिस्क फ्लोरेट्स वाले पार्ट्स हैं उनमें देखने को मिलेगा। कैलिक्स में बहुत सारे हेरी स्केल्स हैं, इन्हें पपस भी कहा जाता है, पपस। कोरोला में नंबर ऑफ पिटल्स की संख्या 5 है, दे आर यूनाइटेड टुगेदर, दैट मीन्स द गैमोपिटेलस एंड ट्यूबुलर, फाउंड इन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स में ये पाए जाते हैं। एंड्रोसियम में नंबर ऑफ स्टेमेंस इज 5, और ये एपिपिटेलस कंडीशंस देखने को मिलता है। सिंजिनेसियस, जैसा कि ये अपियरेंस आप यहाँ पे देखिए, ये सिंजिनेसियस अपियरेंस है, और एंथर ट्यूब में या ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स में अपने आप को एडजस्ट किए रहते हैं। गाइनोसियम की बात करते हैं तो गाइनोसियम बाइकार्पिलरी, सिंकार्पस मतलब दो कार्पेल्स दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, ओवरी इन्फीरियर है विद सिंगल लोक्यूल, सिंगल ओव्यूल एंड बेसल प्लेसेंटेशन, तो ये आपके गाइनोसियम या स्त्रीधानी का एक करेक्टरिस्टिक है। हम लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन आप डिस्क फॉरेस्ट पैडेक्स स्पीसीज का लेते हैं, जिसमें देखते हैं कि ये सिंगल ओव्यूल है, इसके आउटर पार्ट में ओवरी है, ये कैलिक्स क्या कहते हैं पप्पस लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ये एपिपिटेलस कंडीशंस हैं, स्टेमेंस और एपिटल्स हैं, ये स्टिग्मा है, तो इस तरीके से डिस्क फ्लोरेट्स को हमने यहाँ कवर किया, और आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसको अच्छे से नोट डाउन करिए, जो इसमें चीज़ें नोट करने लायक हैं हमने उसको अंडरलाइन भी किया हुआ है, इस तरीके से आप इसको अच्छे से इसको नोट डाउन भी कर लीजिए। अब हम आगे इसी तरीके से रे फ्लोरेट्स को कवर करेंगे कि रे फ्लोरेट्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं। नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस फैमिली स्टेरेसी। तो इससे जो पहले हमने अभी तक जो डिस्कस किया है, हमने डिस्क फ्लोरेट्स जो फ्लावर का पार्ट्स है उसको हमने डिस्कस किया, और उसके जो कुछ जो पार्ट्स बचे हुए हैं लेफ्ट पार्ट्स, दैट मीन द फ्रूट कैसा है,
फ्रूट सेप्सेला, ये एक यूनिक फीचर है। एक आउटर कवरिंग होती है, हेयरी कवरिंग, मतलब बूजी अपेरेंस सब थिंक टू द सीड, सीड के ऊपर इस तरीके से एक अपेरेंस होती है, हेयरी अपेरेंस, ये सेप्सेला का एक करेक्टरिस्टिक है। तो फ्रूट किस तरीके का है, तो उसको आप बताएंगे कि फ्रूट सेप्सेला। फ्लोरल फार्मूला डिस्क फ्लोरेट्स में देखते हैं, तो ये तो एक्टिनोमार्फिक का एक जाना पहचाना एक चिन्ह है, साइन है, इस तरीके से हम डिनोट करते हैं। ये बाइसेक्सुअल मीन्स मेल फीमेल पार्ट दोनों ही दिखाई दे रहे हैं। ये के पप्पस मतलब जो कैलिक्स है वो पप्पस के रूप में एक हेयरी स्ट्रक्चर्स हमने देखिए यहाँ पे जो दिखाए गए हैं ये पप्पस हैं। ये स्केल लाइक स्ट्रक्चर्स जो माइन्यूट स्ट्रक्चर्स हैं ये पप्पस कहलाते हैं और ये कैलिक्स का स्थान लेते हैं। मतलब कैलिक्स जो सीपल्स जो सामान्यतया अन्य फैमिलीज में आपको सीपल्स के रूप में दिखाई देते हैं वहीं यहाँ पे आपको पप्पस के रूप में दिखाई दे रहे हैं। कोरोला फाइव हैं और सिंग मतलब ये गैमोपिटेलस हैं, मतलब ये पिटल्स आपस में जुड़े हुए हैं। इपिपिटाइलस कंडीशन है, ये कंडीशन आपका जो देखिए ये इपिपिटाइलस कंडीशन है जिसको हम इपिपिटाइलस कहते हैं, ठीक है। एंड्रोसियम दैट मीन्स द नंबर ऑफ स्टेमेंस आर फाइव, दे आर फ्री टुगेदर, ठीक है। कैसे हैं ये फ्री है। कार्पेल्स टू हैं, इंफीरियर ओवरी है एंड सिंक कार्पस हैं, ये आपस में जुड़े हुए हैं। सिंक कार्पस हैं ब्रैकेट में हमने लिख दिया है, तो सिंक कार्पस कंडीशन है, इंफीरियर ओवरी है। यहाँ पे आप फ्लोरल डायग्राम को भी देखेंगे, यूनिलोकुलर ओव्यूल्स विने विद ए सिंगल लोक्यूल, सिंगल ओव्यूल इन ए सिंगल लोक्यूल एंड स्टेमेंस आर फाइव इन नंबर्स दैट द पिटल्स 1, 2, 3, 4, 5 दे आर यूनाइटेड टुगेदर, ये आपस में जुड़े हुए हैं। जुड़े होने के कारण हमने इसको यहाँ पे ब्रैकेट में राइट डाउन किया है, ठीक है। फ्लोरल डायग्राम में सबसे आउटर पार्ट्स आपको ये जो दिखाई दे रहा है जो स्ट्रक्चर्स, इसको हम पपस के रूप में, ये कैलिक्स हैं, नंबर ऑफ कैलिक्स हैं, इनकी संख्या अनकाउंटेबल यहाँ पर दिखाई दी गई है, मतलब बहुत ज़्यादा संख्या में है। रे फ्लोरेट्स की बात करते हैं, जैसे डिस्क फ्लोरेट्स को दिया गया है तो ये जाइगोमार्फिक है, वहाँ पे एक्टिनोमार्फिक था, ये जाइगोमार्फिक, और ये पिस्टिलेट मीन्स फीमेल फ्लावर्स होते हैं या फिर न्यूट्रल होंगे, या तो मेल फीमेल दोनों नहीं है, जिसे बंज्या कहा जा सकता है, मतलब ये रिप्रोडक्टिव नहीं है, नॉन रिप्रोडक्टिव है, आइदर नॉन रिप्रोडक्टिव और एक्ट एज लाइक द फीमेल, दैट इज द पिस्टिलेट फ्लावरिंग पार्ट्स। इपीगाइनस कंडीशन, यहाँ आपको इपीगाइनस कंडीशन ओवरी की पोजीशन आपको देखने को मिल रही है। कैलिक्स जो पपस से यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाता है, कैलिक्स वहाँ पर भी, जो चाहे डिस्क फ्लोरेस को हमने पढ़ा चाहे रे फ्लोरेस को हम पढ़ रहे हैं, ये पपस ही आपको कैलिक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कोरोला नंबर ऑफ पिटल्स फाइव,
they are united together, that means the gametophytes and ligulate. यहाँ पे लिगुल एक स्ट्रक्चर्स हैं, ये लिगुलेट स्ट्रक्चर्स हैं, ये आपको देखने को. गाइनोसियम की बात करते हैं तो बाइकार्पिलरी, सिंक कार्पस, इन्फीरियर ओवरी, यूनिलोकुलर बेसल प्रेजेंटेशन, ऐसा आपको डिस्क्लोरेशन में भी देखने को मिला था. तो दो कार्पल्स हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं, इन्फीरियर ओवरी है, यूनिलोकुलर एक लोक्यूल्स हैं और उस एक लोक्यूल्स में यूनिलोकुल्स में ये सिंगल ओव्यूल्स हैं, एक ही ओव्यूल है और प्लेसेंटेशन बेसल है. फिर फ्लोरल फार्मूला इसमें देखते हैं गाइनोसियम में. तो फ्लोरल फार्मूला में ये जाइगोमार्फिक का डिनोटेशन है और ये फीमेल फ्लावर्स को ही डिनोट करते हैं क्योंकि मेल फ्लावर्स में प्रेजेंट रहते हैं. कैलिस पपस से यहाँ पर भी रिप्रेजेंट होता है. कोरोला को फाइव इन नंबर्स, ये फाइव हैं और दे आर थ्री टुगेदर. एंड्रोसियम इज एब्सेंट, दैट मीन्स स्टेमेंस आर एब्सेंट, दैट इसलिए हमने यहाँ पे ए जीरो लिखा है. गाइनोसियम मतलब बाइकार्पिलरी, मतलब ये दो कार्पेल्स हैं और ये दोनों ही कार्पेल्स आपस में क्या हैं, जुड़े हुए हैं. तो ये दोनों ही आपस में जुड़े हुए हैं इसलिए इनको क्या कहा जाता है, सिंक कार्पस. इनको हमने ब्रैकेट में लिख दिया. इन्फीरियर ओवरी है इसलिए हमने अपर पोजिशन पर एक अंडरलाइन लिखा है. इसी तरीके से यहाँ पे फ्लोरल डायग्राम को भी देखा जाए तो यूनिलोकुलर भी थी, सिंगल लोक्यूल, सिंगल लोक्यूल एंड सिंगल ओव्यूल. दे आर द पॉली गैमोपिटेलस, द पिटल्स आर यूनाइटेड टुगेदर एंड द पपस आर द आउटर स्ट्रक्चर्स, द कैलिक्स, दीज आर द कैलिक्स द पपस. अगर एलियस ऑफ द फैमिली फ्लावर्स को देखते हैं तो इसमें आप देखेंगे कि ये आपका रे फ्लोरिस्ट है, तो यहां पर भी आप देखेंगे तो एपिटल्स हैं, ये स्टिग्मा स्टाइल है, ये पपस हैं, ओव्यूल है, सिंगल ओव्यूल एंड ओवरी है. इस तरीके से इस फैमिलीज के जो फ्लोरल कैरेक्टर्स हैं उनको हमने डिस्कस किया. अब कुछ इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट प्लांट हैं जैसे कि हेलियंथस एनस, इन्हें सनफ्लावर्स भी या सूरजमुखी कहा जाता है. ये ऑयल यील्डिंग प्लांट्स हैं, ऑयल को देते हैं और इनका औषधियों में भी इस्तेमाल होता है तो मेनली इनको ऑयल यील्डिंग प्लांट्स कहा जाता है. टेजिटस इरेक्टस जिसे गेंदा का फूल, मैरीगोल्ड और ये ऑर्नामेंटल है, ठीक है, क्या है, ऑर्नामेंटल दवाइयों के रूप में, औषधियों के रूप में ऑर्नामेंटल. कार्थमस टिंटोरस कुसुम का फूल है, ये डाई के रूप में, रेड डाई के रूप में प्रयोग होता है, लाल कलर के रूप में, डाई के रूप में इस्तेमाल होता है. लेट्यूबा सेटाइबा लेट्यूस के रूप में, इसकी जो लीव्स हैं ये सलाद के रूप में, सलाद के रूप में इस्तेमाल होते हैं. फिफ्थ नंबर पे क्राइसेंथेमम, क्राइसेंथेमम सेनेरी फोलियम, सेनेरी फोलियम दैट मीन्स द पायरेथ्राइड. यहाँ पर एक एक इंसेक्टिसाइड प्राप्त होता है इससे, इससे एक ऐसा इंसेक्टिसाइड होता है जो कि इंसेक्ट्स को क्या करता है, डाई या डेथ कर देता है, इसको सप्रेस करता है, तो इंसेक्टिसाइड के रूप में प्रयोग होता है. इसका नाम है पायरेथ्राइड. अक्सर पूछा जाता है पायरेथ्राइड कहाँ से प्राप्त होता है, तो आपको इसी फैमिली से बिलोंग करता है, एस्टरेसी फैमिली से.
कैलेंडुला फिफ्टिनोलिस ये ऑर्नामेंटल है परफ्यूमरी में, इसे कैलेंडुला भी कहा जाता है, नाम ही कैलेंडुला है। परफ्यूम के रूप में ऑर्नामेंटल भी इसका इस्तेमाल होता है। तो इस तरीके से इसके रे फ्लोरेस्ट को भी हमने यहाँ पर डिस्कस किया, और आई होप कि आप लोग इसको एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसके जो भी पार्ट्स आपको राइट डाउन या नोट डाउन करने लायक हैं आप उनको राइट डाउन करिए, नोट डाउन कर लीजिए, और उसमें जो भी चीज़ें आपको इम्पॉर्टेंट लगें इस फैमिली से, हम इस इम्पॉर्टेंट को अंडरलाइन भी कर देते हैं कि देखिए सिंस इन एक्सेस कंडीशंस हमने उसमें पढ़ाया, आगे पहले भी पढ़ाया है, डिस्क्लोरेशन में पढ़ा रहे थे। पर्पस को आप देखिए तो आप जान लीजिए किस तरह से फैमिली से है, ठीक है। डिसकैरे फ्लोरेट्स आपको दिखाई दो इस तरह फैमिली से है। इन इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट प्लांट को भी आप देख लीजिए तो आप उसको बता सकते हैं कि स्ट्रेसी फैमिली ही बिलोंग। डिस्क रेफ्लोरेट्स यहाँ पे रेफ्लोरेट्स में क्या है, जाइगोमार्फिक है। डिस्क फ्लोरेट्स में क्या है, एक्टिनोमार्फिक है। इसमें पिस्टिलेट या फीमेल और न्यूट्रल प्लांट्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, उसमें मेल पार्ट भी पाए जाते हैं, मेल फीमेल दोनों ही। कोरोला यहाँ पे पिटल गैमोपिटाइलस हैं, और वहाँ पर भी गैमोपिटाइलस दोनों कॉमन फीचर्स हैं। तो इस तरीके से आज फैमिली स्टडीसी को हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं, और आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा, और समझ में आया है तो आप इसको कमेंट्स बॉक्स में हमको बता भी सकते हैं, और आगे हम एक नई फैमिली के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। थैंक्स फॉर द टुडे क्लास, थैंक यू।